एक बार आपको फिर से लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त चल रही है और हम आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में और स्वास्थ्य मंत्रालय की यही चिंता है कि इन आंकड़ों को किस तरीके से रोका जाए। 80% लोगों का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है जो आपकी रिपोर्ट है, तो उसका क्लेरिफिकेशन दें जी। सर, एज फार एज जो हमारे बाकी पेशेंट्स हैं जो आज या जो हमारे लोग लॉकडाउन की स्थिति में घर पर हैं, उसके लिए हम लोगों ने और साथ में स्टेट लेवल पर भी बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि वह लोग बाहर निकलें और किसी भी तरह से इन्फेक्शन उनको लगे, तो उसके लिए हम लोग टेलीमेडिसिन और उस टाइप के डिफरेंट प्रोसेस थ्रू उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी कहा है इसेंशियल सर्जरीज के अलावा इलेक्टिव सर्जरीज को पोस्टपोन किया जाए और बाकी टाइम आप अपने घर पर रहते हुए ट्रीटमेंट थ्रू डिफरेंट वेज पर्टिकुलरली यूजिंग टेक्नोलॉजी आप उसको प्राप्त करें। दूसरा, जैसे कि आपने ICMR की स्टडी के बारे में बताया, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, अगर देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा तो वी विल बी द फर्स्ट वन, हम ही आपको आके पहले बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम आपके नॉलेज में लाएं कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है और इस कारणवश हम सबको एक्स्ट्रा और एडिशनल अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं दो फिगर्स आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। एक, जैसे मैंने कहा कि अगर 16,000 टेस्ट कल हुए देश में जो कि अक्रॉस द कंट्री हुए, उसमें करीब 320 ही पॉजिटिव आए, तो यानी कि 0.2% केसेज ही पॉजिटिव आए। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, ये स्टडी जिसमें बताया गया है कि हमने अगर सारी केसेस यानी कि रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस की रैंडम सैंपलिंग अगर देश में की है तो उसमें करीब 1.8% केस पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि ये 1.8% पॉजिटिव जो केसेस आए, दीज आर फ्रॉम द आवर VRDL लैब्स, जो हमारी VRDL लैब्स प्राइमरी उन्हीं एरियाज में लोकेटेड जहां पर ऑलरेडी केसेस पाए जा चुके हैं। इस स्टडी में आपको कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये ऐसे एरिया में आया जहां सिंगल केस भी नहीं पाया गया, तो ये उन्हीं एरिया में पाए गए हैं जहां केसेस पाए गए हैं। वेरी फैक्ट कि अगर ये स्टडी इंडिकेट करती है कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में कॉन्टैक्ट की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है, तो इट ओनली नीड्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन कि हम उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को फर्दर लोकेट करें। और साथ में, जैसे आप लोगों के नॉलेज में इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, कुछ हमारे एरियाज हैं जहां केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उन केसेस में कई बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सही ढंग से हो नहीं पाती। तो फिर मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, उतनी भय की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवेयर रहना है, हमें अलर्ट रहना है और रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है।